तो कंप्लेनिंग मोड में हमको कभी रहना नहीं है, हमको हरदम कृतज्ञता की मूड में रहना है, मोड में रहना है और हरदम थैंकफुल रहना है। हम आगे बढ़ते हैं कि चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है। आज हम देखेंगे स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार कैसा होता है। हमारे स्वास्थ्य में जादू हो सकती है, हमारा स्वास्थ्य बेहतरीन हो सकता है, हमारे हेल्थ जो है ना वो बहुत बेहतरीन हो सकती है, उसके बारे में कैसे वो हम देखेंगे, उसके प्रति यदि हम कृतज्ञ रहे तो। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। ठीक है ना, वो कैसा चमत्कार प्रकृति के बारे में होता है वो हम अभी देखने वाले हैं। हम ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए हमें, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, हमें ऐसा ही महसूस होता है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत परिस्थिति होती है ना, कोई भी बीमारी आपके शरीर में होती है, कोई भी बीमारी, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती है, से चिंता, लेकिन एक भाव जैसा चिंता या डर, ये नकारात्मक भावना हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भावना रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। यदि मेरे को ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे वो तकलीफ है, उसके बारे में यदि हम बोलते रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा नहीं, वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है। सेहत कैसी भी हो, हमको उसके प्रति नकारात्मक भावना रखनी ही नहीं है, हमको हरदम सकारात्मक भावना ही रखनी है। तो ऑथर ये बोलते हैं कि जिसके पास भी कृतज्ञता है अपने स्वास्थ्य और शरीर के प्रति, है ना, और जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सभी उसे ले लिया जाए। तो जो आप अपना जो स्वास्थ्य उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है तो जो स्वास्थ्य आपको है वो भी लिया जाए। जिसके भी पास कृतज्ञता है अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। तो आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ रहना है। इस वक्त आप चाहे बीमार हो सकता है कि आपको भी बीमारी है, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, जो भी है, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावना को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। तो आपको क्या है, आपको ये देखना है कि भाई पैसा भी हमारा हो, बीमार भी है, हमको बीमारी भी है, तभी भी हम उससे उसमें हम कृतज्ञ रह सकते हैं। तो ऑथर हमको क्या कहता है, कहती है हमको पहला कदम ये करना है, पहला कदम कि जो स्वास्थ्य आपने पाया है ना, जो स्वास्थ्य आपने पाया है उसके लिए, मतलब पास्ट में, उसके लिए आपको कृतज्ञ होना है। जो स्वास्थ्य, पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है उसके लिए आपको कृतज्ञ होना है। अतीत में जो भी स्वास्थ्य आपने पाया, ये पहला कदम। फिर दूसरा कदम क्या है, दूसरा कदम स्वास्थ्य जो आपको प्राप्त कर रहे, जो अभी आपको स्वास्थ्य है, अभी आप तंदुरुस्त है, अभी आप फिट है ना, तो उस स्वास्थ्य के बारे में सोचिए जिसका फायदा आज आप भी उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र, शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें कि अरे मुझे अभी हाथ पैर तो है, मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरे पैर चल रहे हैं, जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है उसके बारे में सोचे। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचे। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचे जो अच्छे है, और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और तीसरा कदम जो सबसे महत्वपूर्ण है, तीसरा कदम स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं भविष्य में। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं, एक भी कोई भी अंग आपको अपने शरीर का चुनने का है, जिसे आप आज जादुई, आज के जादुई अभ्यास के लिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप तक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अभी आप क्या करने वाले हैं, जो स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं है
उसके प्रति आप कृतज्ञ होने वाले। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचे जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग के आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। तो आपका जो भी कोई प्रॉब्लम है, आपको बीमारी है ना, कुछ भी बीमारी आपको हो सकती है, आपको हेडेक है, आपको माइग्रेन है, आपका पेट ठीक नहीं है, आपको कोई वीकनेस है, आपको कुछ दर्द कर रहा है, तो वो उसके बारे में सोचे और ऐसा सोचे कि अभी वो अच्छा हो चुका है और उसके लिए कृतज्ञ रहने का है, ठीक है ना। आकर्षण का, बहरहाल आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, जो समस्या है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके वजह हमने क्या करना चाहिए, हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए, उल्टा करना चाहिए। हमने क्या करना चाहिए, हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ में है, जो भी अंग गड़बड़ कर रहा है हमारे शरीर का, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार, वो भावनाएं केंद्रित करे। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं को इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सके और एक झटके। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको तकलीफ है उसके बारे में ऑन कर, उसके बारे में सोचना है, और वो सोचते जब आप है तो आपका वो अंग जो है जो गड़बड़ में, वो धीरे 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 ठीक होना चालू हो जाएगा जब आप कृतज्ञ है उसके लिए, क्योंकि अभी तक वो अंग ने आपको सर्विस दिया है, सेवा दिया है, उसके लिए कृतज्ञ हो जाएगी। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता है। क्या करते हैं, समझो हमको हेडेक हो गया, हम क्या करते हैं, हेडेक के बारे में सोचेंगे, हेडेक के बारे में गूगल पे जाएंगे, हेडेक के बारे में माहिती निकालेंगे, जो भी तकलीफ है उसके ऊपर और ध्यान आकर्षित करेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे। उससे क्या होता है, उससे और ज्यादा हेल्थ खराब होना चालू हो जाती है। तो हमने क्या करना है, आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, एक मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें। आपने क्या करना है, जो भी आदर्श अवस्था है उसका चित्र हमने देखना है एक मिनट तक, और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं वैसा आपको देखना है। इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल गई हो, मतलब वो जो शरीर का पार्ट है, वो शरीर का अंग है, आपको सचमुच ऐसा सोचना है कि वो हमारा अच्छा हो चुका है, और अच्छा होने के बाद में आपको कैसा महसूस होगा वैसा आपने महसूस कर, ना कि उसको तकलीफ है ऐसा नहीं करना है ना। हिप्पोक्रेटस कहते हैं, जो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन है, कि हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। नेचुरल हमको पावर मिली हुई है, हम नेचुरल पावर से ही हमारे बीमारियों को अच्छा कर सकते हैं और उससे हम हमारी सेहत अच्छी पा सकते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, आज का एक होमवर्क, कि जो भी आपको तकलीफ है, तकलीफ थी, तकलीफ है, तकलीफ ऐसा लगता है कि आपको हो जाएंगी, तकलीफ अभी थोड़ी थोड़ी चालू हो गई है, तो उसके बारे में सोचना है, क्या सोचना है, कि वो अच्छा हो चुका है, वो बीमारी अच्छी हो चुकी है, और अच्छा होने के बाद में आपको कैसा महसूस होगा उस तरह का सोचना है, वो एक्चुअली अच्छी हो चुकी है ऐसा सोचना है, ठीक है ना। अब वो सोचेंगे कोई भी एक अवयव, तो वो धीरे 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 ठीक हो जाएगा, अपने बदन में ही बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है, और वो रोग प्रतिकार शक्ति तो है ही है, उपचारक भी है। मैजिक चेक के बारे में देखेंगे अभी, है ना। मैजिक चेक क्या होता है, जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनोनी नहीं होती, कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कोई व्यक्ति इच्छा करके उसके घटित न कर, विलियम एस बरोज लेखक और कवि, उन्होंने कहा है। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धक्काती है, आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं,
यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता, डर ऐसी भावनाएं है तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आपको यदि उसके बारे में डर है, चिंता है, निराशा है, ईर्ष्या है तो आपको धन नहीं मिलेगा। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। क्योंकि आप धन के बारे में निराशा चिंता हो तो आपको क्या मिलेगा? निराशा और चिंता मिलेगी। आपको धन के बारे में ईर्ष्या हो, डर हो तो और डर मिलेगा और धन दूर चले जाएगा। आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियों में अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित है तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेगी। यदि आप चिंतित है तो और चिंता आ जाएगी, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेगी। आप चिंता करेंगे पैसे के बारे में तो और चिंता, भय महसूस करेंगे तो और भय। यह करना कितना ही मुश्किल हो लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। आपकी वर्तमान स्थिति में आपके पास में धन नहीं है, धन नहीं है आपके पास में, तभी भी उसके बारे में चिंता, डर, ईर्ष्या, निराशा ये कुछ भी लाने का नहीं है। उसको बाजू में रखना पड़ेगा, उसको आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुनी। जो भी चीज आपको खरीदना है और आपके पास में उसके लिए धन नहीं है वो चीज खरीदने के लिए, तो आपने क्या करना है? उसके लिए निश्चित राशि चुन लेना है कि भाई मुझे समझो साइकिल लेना है। आपने समझो साइकिल लेना, अब साइकिल के लिए कितना लगेगा पैसा वो अपने मन में निश्चित करना है कि मुझे कितने रुपए की साइकिल लेना है। क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। तो आपको वो धन से क्या खरीदना है वह भी सोचना पड़ेगा। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है। आपको जो भी इच्छा, समझो साइकिल खरीदना है तो धन उसके लिए एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ धन के बारे में मत सोचो, आपको क्या करना है, धन से आपको क्या लेना है, क्या खरीदना है उसके बारे में सोचना है। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे, बहुत ज्यादा कृतज्ञता आप महसूस करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक चेक अपनो डाउनलोड करना है ना, एक चेक आपको, मैजिक चेक आपको डाउनलोड करना है। यूनिवर्सल बैंक, यूनिवर्सल बैंक ऑफ ग्रेटिट्यूड, आपको ये गूगल पे मिल जाएगा ये चेक, ये आपको डाउनलोड करना है। और ये चेक डाउनलोड करके उसके ऊपर लिखना है राशि, अमाउंट, कितनी अमाउंट, उसके ऊपर पहले आपका नाम लिखना है, पे टू योर नेम, है ना, रणबीर सोलंकी, टू द ऑर्डर ऑफ कितने रुपए, वो लिखना है कितने रुपए, ये डाउनलोड करना है गूगल से आपको। और वो रुपए से, वो रुपए यदि आपके पास में आ जाते हैं तो आपको क्या खरीदना है वो भी आपके दिमाग में रखने का है, ठीक है। तो आपको ये होमवर्क है, डाउनलोड करना है, अपने पास में रखना है, अपना नाम उसके ऊपर लिखना है। और समझो आपको 10,000 रुपए की साइकिल लेना है तो उसके ऊपर लिखना है ₹10,000, पे टू रणबीर सोलंकी टू द ऑर्डर ऑफ ₹10,000 और नीचे सही, ठीक है ना। तो ये करना है आपको। और फिर क्या करना है, मन में एक तस्वीर लाए और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्रण है। आप क्या खरीदने वाले, साइकिल, तो वो लिखो। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लो। शायद आप नए जूते खरीदना चाहते हो, कंप्यूटर खरीदना चाहते हो, नए बिस्तर खरीदना चाहते हो, जो भी। इसलिए तस्वीर में देखे कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखे कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि आप अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वो कर या पा सकते हैं।
जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए, वो पैसा आपको मिल जाएगा, तो किसी जादू तरीके से वह सामान मिल जाए, तो जिस पर आप वो धन खर्च करना चाहते थे उस चेक पर अभी नई राशि लिखी, अभी कुछ नया अमाउंट लिखने का। समझो वो जो धन आपको मिल गया है, वो आपने चीज खरीद लिया, आपने क्या करना है, अभी दूसरा चेक लेना है और दूसरे चेक के ऊपर और दूसरी राशि लिखना है। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो वो लिखना है राशि। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हो। तो ये आपको करना है और ये आपका आज का और एक अभ्यास है कि आपको जो भी चाहिए, आपको बैग चाहिए, आपको साइकिल चाहिए, आपको जूते चाहिए, आपको ड्रेस चाहिए, उतनी अमाउंट वो राशि के ऊपर लिख, वो चेक के ऊपर लिखना है वो राशि। इसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है? वुड लाइक टू शेयर, अनम्यूट करो, अलाउ करो। यस, कौन शेयर करेगा? Anybody can share. Sir, I want to ask something. Yes. Sir, I want to ask that we have to take real check or copy? Copy from the Google. From Google you can get this. Universal Bank of Gratitude. इसका नाम है Universal Bank of Gratitude. है ना, ये देखो, ये है ना, it's a game. It's a small game, है ना? एक game जैसा करो उसको कि भाई एक्चुअली चेक है क्या वो? नहीं, एक्चुअली चेक नहीं है। एक तो ऐसी है, मजाक की बात है कि भाई आपको वो चेक गूगल से एक्चुअली, जैसा मैंने बताया, आपको वो डाउनलोड करना है, आपके पास में रखना है, आपका नाम लिखो, अमाउंट डालो और फिर जो चीज खरीदना है उसके बारे में सोचो कि वो चीज आपको मिल गई है और उसके लिए आप बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हैं। समझ में आ गया? यस सर। गुड गुड गुड, वेरी गुड। यस, और कोई? एनीबडी? दो तीन लोग ही शेयर करते रहते ना, बाकी लोग तो वीडियो भी चालू नहीं करते। आप मुझे प्रॉमिस करते हैं? यस, आनंदी, आपको बोलना है। आनंदी को क्या समझ में आया? भूमि, आनंदी, आपको अनम्यूट करके बात करना। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट चेक? भाई आपको इसमें दूंगा, यूनिवर्सल बैंक ऑफ ग्रेटिट्यूड। गूगल पे जाके मैजिक चेक बोलना है, मैजिक चेक। ओके, गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके डालो मैजिक चेक, तो आपको मैंने जैसा बताया ना वो मिल जाएगा, कार्ड चेक आगे बैक वो वैसा मिल जाएगा आप, है ना? उसको डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो और आपके पास में रखो बैक। थैंक यू। ये देखो, ये चेक है यूनिवर्सल बैंक, है ना, यूनिवर्सल बैंक ऐसा लिखा है इसमें, ठीक है? रीजन नहीं, मैं मतलब ये गेम है, प्ले लाइक अ गेम, है ना? यस, और कोई? हेलो, एनीबडी? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। ओके गुड, अब आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीसरा टॉपिक, जादुई कार्य सूची। जादुई कार्य सूची, संसार जादुई चीजों से भरा हुआ है जो हमारे बुद्धि के पहने होने का इंतजार कर रही है ना? तो आज ही हमने सबसे महत्वपूर्ण, आपने आज आपने क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण काम की, सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार, जो आपको काम करना है ना महत्वपूर्ण, उसकी एक राइटिंग में एक लिस्ट बनाना, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते। आप अपने लिए पढ़ाई का कर सकते हैं कि जो पढ़ाई आपको करनी है, मगर बहुत जान पे आती है पढ़ाई करना, वो सब्जेक्ट पढ़ना बहुत जान पे आता है, या कोई काम करना जान पे आता है, तो आप आज आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित, देखो इसमें लिखा है लिखित कार्यसूची तैयार करें, राइटिंग में लिखना है जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर उसका शीर्षक लिखे, जादुई कार्यसूची, हेडिंग लिखना है उसके ऊपर, जादुई कार्यसूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है, आपके पास में समय नहीं है,
या जिन्हें आप नहीं करना चाहते हैं, बहुत जान पे आता है, आलस लगता है, ऐसे काम तो पहले लिखो। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे से छोटे काम लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल, कोई भी आप लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचे जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाने जाने या कराने की जरूरत हो। जब आप अपनी सूची पूरी कर ले तो उसमें से 3 चीज चुने और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। अभी मैं आपको बताता हूं, समझो मुझे बहुत जान पे आता है कि मैंने एक्सरसाइज करना, मेरे बहुत जान पे आता, तो मैंने लिखना है एक्सरसाइज नंबर 1। फिर मुझे बहुत दिन से मेरा पेंटिंग काम है और वो नहीं हो रहा है, कि मुझे एक मित्र को फोन करना है और उससे बात करनी है, तो वो भी मेरा हो नहीं रहा है, तो फिर वो कि मित्र से बात करनी। नंबर 3, मुझे जूते खरीदने हैं और जूते खरीदने मैं मार्केट में जा रहा हूँ जाऊंगा ऐसा सोच रहा हूँ, मगर मैं जा नहीं रहा हूँ, कुछ ना कुछ काम आता है, मैं भूल जाता हूँ, जा नहीं रहा हूँ, तो वो ऐसे मैंने मेरी 3 लिस्ट बना दी। आपने वैसे 3 चीजें लिखना है कि जो आपको जान पे आता है या जो करना कठिन लगता है या भूल जाते हैं या बाद में करेंगे, ऐसा हमको हम ऐसा करते रहते। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। आपने कल्पना करना है कि आप हिंदी लिख रहे हैं, आप इंग्लिश लिख रहे हैं, आप मैथ्स लिख रहे हैं और जादुई ढंग से वो पूरा हो रहा है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपके खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही है और इसी समय वो हो रहा है पूरा, ऐसी कल्पना आपने करना है। आपके खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। तो आप इंग्लिश लिख रहे हैं, मैथ्स लिख रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं और आपको कल्पना करना है कि वो 3 चीजें आप कर रहे हैं, हो रहा है और आप उसके लिए बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। अपने 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट देना है और विश्वास करें कि यह हो चुका है तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। वो हो चुका है और उसके लिए थैंकफुल होना है, थैंक यू बोलना है, धन्यवाद देना है। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। तो आपको वो जादुई कार्य सूची में लिखना है, उसके लिए कृतज्ञता महसूस करना है, कल्पना करना है एक मिनट कि वो हो चुका है, और जब तक नहीं होता है आपको रोज करना है, रोज है ना, डेली करना है। याद रखे, आकर्षण का नियम कहता है कि सम्मान ही सम्मान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ यह है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर ले। समाधान रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे, तो बाकी चीजें आप ही आप अपने तरफ ऐसी आते जाएंगी और वो काम होते जाएंगा। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं पीछे चले आती। यदि आप प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देंगे, प्रॉब्लम्स, तो और प्रॉब्लम आते जाएंगे, और आप सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देंगे तो और सॉल्यूशन आते जाएंगे। पर सिर्फ ध्यान देना नहीं है, सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना है और उसके प्रति कृतज्ञ होना है, थैंक यू बोलना है, धन्यवाद देना है। तो हमको ये करना है आज कि 3 चीजें लिखना है, 3 काम लिखना है, जो भी हम टाल रहे थे, आलस कर रहे थे, इसके लिए अपने को बहुत जान पे आता है, और उसके लिए फिर एक मिनट देना है और वो काम हो चुका है ऐसी कल्पना करना है और उसके प्रति धन्यवाद देने का। अभी आपको जादुई अभ्यास करना है, वो क्या है, अपनी नियामतें गिने, ये अपने को रोज करना है। 10 नियामतों की सूची बनाए, रोज आपको नई नई नियामतें, मतलब ब्लेसिंग्स, 10 ब्लेसिंग्स पर डे लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें, जितना ज्यादा हो सके उतना आपने ग्रेटफुल होने का है, नंबर 1। नंबर 2, अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें
जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और समय के लिए सच्चा धन्यवाद दे। 3, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचे जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दे। 5 कार्य अपने शरीर के, हो सकता है आप बोलेंगे हार्ट, मेरे फेफड़े, लंग्स, मेरी आंखें, मेरी कान, मेरी जीवा, जो भी है। 4, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दे। नेक्स्ट, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर ले, एक मैजिक चेक निकालना है जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिखिए। मैजिक चेक को हाथों में थामे और कल्पना करें कि आप वो खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं, आपको मिल चुकी है वो चीज, जब इस यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। नेक्स्ट, 7, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाए या किसी ऐसी जगह रख दे जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में ले और यह तस्वीर देखे कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हो, सचमुच ऐसा हो रहा है। दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सके। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पाले जिस पर आप वो पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दे जिसे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाए जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची ऐसा करें। नेक्स्ट, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन ले। एक सूची बनाना है लिस्ट और उसमें के 3 काम चुनना है और एक बार में एक एक करके कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दे, यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस कर। 12 नंबर का काम है, आज रात सोने के ठीक पहले अपना जादुई फत्तर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। यह आपको पूरा काम आपको करने का है।